Good morning students. Now we are going to start new lesson work and energy. अब हम लोग यहाँ पे new lesson शुरू करने वाले हैं work and energy. तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग work क्या है. Work is said to be done when object is moved in the direction of applied force. Work हमारा कब कहलाता है, जब object हमारा direction of applied force की तरफ move करता है, या फिर when force acting on a body produce displacement is known as work. जब object के ऊपर हम लोग force लगाते हैं और object हमारा move करता है तब वो हमारा work done कहलाता है. Work is a scalar quantity, SI unit of work is joule. Work हमारा एक तरह से scalar quantity है और इसका SI unit joule होता है. Factor on which work done is depend. किस फैक्टर के ऊपर हमारा वर्क डन डिपेंड करता है, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी. वर्क डन का हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इनटू एस. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वन जूल. वन जूल क्या होता है, वर्क डन इज सेड टू बी वन जूल इफ वन न्यूटन ऑफ फोर्स मूव ए बॉडी थ्रू वन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ वन मीटर. जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इसमें दो कंडीशन होता है, पहला हमारा फोर्स केवल वन न्यूटन लगना चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट केवल वन मीटर ही डिस्प्लेस करना चाहिए. कहने का मतलब कि वन न्यूटन फोर्स में वन मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा तभी हमारा ये वन जूल कहलाएगा. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्क डन व्हेन ए बॉडी मूव एट ए एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अब हम लोग देखते हैं कि हमारा कुछ फोर्स और डायरेक्शन के बीच में कुछ एंगल होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में हो रहा है, तो कुछ एंगल बनता है. तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू सॉरी वर्क डन इक्वल टू फोर्स एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. कॉस थीटा का वैल्यू होता है थीटा, यहाँ पे कहने का मतलब हो गया एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे कुछ एंगल दिए हुए हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री. तो कॉस 0 डिग्री मतलब 1, कॉस 30 डिग्री मतलब 0.86, कॉस 45 डिग्री मीन्स 0.71, कॉस 60 डिग्री मतलब 0.50, कॉस 90 डिग्री मीन्स 0 और कॉस 180 डिग्री मीन्स -1. अब टाइप ऑफ वर्क देखते हैं. यहाँ पर हमारे थ्री टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क. पॉजिटिव वर्क हम लोग देखते हैं क्या होता है, व्हाट इज पॉजिटिव वर्क, ए वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ ऑब्जेक्ट इज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. पॉजिटिव वर्क उस वर्क को कहते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है तो हमारा पॉजिटिव वर्क कहलाता है, या फिर पॉजिटिव वर्क में हमारा जो एंगल होता है वो 0 to 90 डिग्री के बीच में रहना चाहिए. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव वर्क. नेगेटिव वर्क क्या होता है, वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ ऑब्जेक्ट इज मूव टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. मतलब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो कहलाता है हमारा नेगेटिव वर्क. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स हम लोग फिट से बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है. तो ये हमारा नेगेटिव वर्क का एग्जांपल है. इसमें एंगल कितना होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. अब जीरो वर्क हमारा क्या होता है, जीरो वर्क, ए वर्क डन इज सेड टू बी जीरो इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजिशन. जब ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करता है तो वो जीरो वर्क कहलाता है, या फिर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा तब. अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले एनर्जी. एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल. एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म होता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे. तो क्लास नाइन्थ में हमको केवल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी बाई वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी कैन डू सम मैकेनिकल वर्क डायरेक्टली इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में बॉडी के द्वारा हमारा कुछ वर्क किया जाता है.
टू फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह का हमारा मैकेनिकल एनर्जी को डिवाइड किया गया है यहाँ पर, हमारा एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अब किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट के कारण, मोशन के कारण उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम लोग बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, बॉल को फेंकते हैं तो बॉल हमारा मस्कुलर एनर्जी से वो मोशन में आया, तो मोशन में आता है, फिर हम लोग कैच करते हैं तो हमारे हाथ में हल्का चोट लगता है, तो वो हमारे हाथ में एनर्जी कैसे दिया, तो वो काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। ठीक है, जैसे हमारा फास्ट मूविंग बुलेट, हाई स्पीड बॉल, ये सब सारे जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी हमारा स्टोर रहेगा। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग दो सिंबल से डिनोट करते हैं, एक ई स्मॉल के और के ई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें से m इक्वल टू मास ऑफ ए बॉडी और v वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी।